दोस्तों आइए बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। देखिए कितने रसभरी गुलाब जामुन की रेसिपी है, वो भी सूजी से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट से बनाने जा रही हूँ। तो देखिए आज मैं सूजी से गुलाब जामुन रक्षाबंध स्पेशल बनाऊँगी। तो मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा लिया है, यहाँ पे देखिए एक चम्मच मैंने घी डाला है। यहाँ पे दोस्तों घी के बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। आप कोई कप या गिलास मेजरमेंट कर सकते हैं कि जितना हमें सूजी डालना है दोस्तों उसके डेढ़ गुना दूध डालना है। देखिए कुल 3 दूध डालेंगे, डेढ़ गुना। मैंने ये कटोरी सेट किया है, इसी से मैंने सूजी भी लिया है। देखिए डेढ़ कटोरी दूध डालेंगे। फुल क्रीम दूध है, घी ऊपर आ गया है, दूध को मिला लेते हैं, थोड़ा उबलने देते हैं। दूध में हम आधी छोटी चम्मच शक्कर डालेंगे, ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वो थोड़ी सी शक्कर इसमें डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच डाला है हमने, दूध उबल रहे हैं, गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। उसी कटोरी से हमने सूजी लिया है, सूजी ज़्यादा मोटा वाला था तो मैं मिक्सी के जार में डाल के इसके अब थोड़ा थोड़ा सूजी डाल के इसे चलाते जाएंगे। फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे और इसी तरह सारी सूजी को इसमें ऐड कर देंगे। देखिएगा सावधानी से, गांठ नहीं पड़े। इसी तरह फ्लेम को लो ही रखेंगे और गाढ़ा होने तक मिलाएंगे। इसको हमें हार्ड गाढ़ा नहीं करना है दोस्तों। देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए एकदम लो था गैस, अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और इसे चलाते हुए इसी पर हम इसे गाढ़ा होने देंगे। ये फूल भी जाएंगे दोस्तों और गाढ़ी भी हो जाएंगे। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, अब ये हो गए हैं देखिए दोस्तों डो की तरह, और ये पैन छोड़ दिए हैं। तो अब हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए हमने इसको निकाल दिया है, इसे ढक के हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक पतीला रख लिया है, देखिए उसी कटोरी से मैं एक कटोरी पानी डाल रही हूँ। आपको सारे लोग बताएंगे कि डबल पानी डालिए, डबल चीनी डालिए, कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, बस जितना पानी उतना ही शक्कर। एक कटोरी शक्कर है दोस्तों, देखिए एक ही कटोरी है, थोड़ा गिर भी गया। एक कटोरी शक्कर है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। गैस अपने जला लेते हैं, इसी में हम थोड़ा सा इलायची कूट के डाले हैं। इलायची पाउडर से ज़्यादा फ्लेवर इलायची कूट के डालिएगा, फ्रेश उसका आता है। और थोड़ा सा हम एक पिंच के करीब फूड कलर डालेंगे, आपके पास केसर हो तो वो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर के भी डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, इससे हमारे गुलाब जामुन के कलर बहुत अच्छे आएंगे। बस अब हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों ये हमारा चाशनी तैयार है, देखिए इस तरह आप छू के देखेंगे ये रिफाइंड की तरह चिपचिपी आपको दिखने लगे। देखिए बस हमें कोई तार का चाशनी नहीं चाहिए, बस हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे ठंडा, तब तक हम इसे डो की तैयारी कर लेते। देखिए दोस्तों अभी हमारे डो एकदम गर्म है, तो यहाँ पर मैं एक चम्मच के करीब और घी डालूंगी और चिकना करके इसे मसल मसल के डो की तरह हमें गूंथना है। मैं यहाँ पे दोस्तों एक पिंच सोडा डाल रही हूँ, बस एक पिंच ही डालेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो वो आधी छोटी चम्मच डाल सकते हो। देखिए हमारे डो गुथिए कितने अच्छे तरह तैयार होंगे हो गए हैं। आप जितना ज़्यादा गुथिएगा हमारे गुलाब जामुन उतने ही अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे शेप आपको अपने हिसाब से देना है, आप गोल दे सकते हैं, सिलेंडर का शेप दे सकते हैं या चपटा कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो वैसा कीजिए। थोड़ा सा इसमें से डो लेंगे और इसे हाथों से चिकना करेंगे। अब देखिए देखिए मैं इस तरह का सिलेंडर का शेप दे रही हूँ, देखिए आपको जैसा मन हो वैसा दीजिए। तो इसी तरह हम सारे पेड़े बना के रख लेते हैं पहले।
देखिए मैंने तब तक इतने बना के रख लिए हैं, मैं इसे फ्राई करती हूँ और जब तक फ्राई होंगे तब तक मैं और बना लूँगी, नहीं तो ये सूखने लगेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये चिकना होना चाहिए, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस जितना आपको चाहिए उतना। गैस का फ्लेम हम इसे मीडियम टू हाई रखेंगे, बाद में हम लो करके पकाएंगे लेकिन पहले मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए तेल हमारे गर्म हो गए हैं, तो अब मैं इनमें डाल के पहले चेक कर लेती हूँ। थोड़ा हमें तेल और गर्म हो चाहिए तो इसे हम इसी में पकने देते हैं। देखिए अच्छे खासे बबल आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम सिकने देते हैं। मैं इधर और डाल देती हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर तेल कम गर्म होंगे तब भी ये कड़क बन जाएंगे, हार्ड गर्म होंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से नहीं सिकेंगे। बस डालते समय इनका फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, बस उसके बाद हम लो करके इसे पकाएँगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए। जितना आएगा इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सावधानी से डालें। देखिए बस, और हम इन्हें पकने देते हैं। देखिए अब हम इसे पलट देते हैं। बस आप डालते ही 2 मिनट इसे नहीं पलटिएगा दोस्तों, बस धीरे धीरे हम इसे चलाते हुए पलट लेंगे हल्के हल्के हाथ से बस, और हम इधर सिकने देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने जो इसे ज़्यादा मसला है तो ये देखिए फूल फूल के कितने अच्छे बड़े बड़े हो रहे हैं। तो आप जितनी अच्छी गूँथेंगे उतना अच्छा आपके गुलाब जामुन बनेंगे। देखिए दोस्तों ये सिक रहे हैं और फूल के देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इन्हें सिकने में आपको 7-8 मिनट लग जाएंगे दोस्तों, कि बाद में हमने गैस का फ्लेम धीमा करके इसे चारों तरफ से सिक रही हूँ और मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। आप लोग इस समय निकाल सकते हो लेकिन मैं थोड़ा इससे भी डार्क कलर, जो डार्क कलर गुलाब जामुन होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं सबको। तो बस थोड़ा सा और हम हिलाते डुलाते हुए इसे पका लेंगे। देखिए बस मैंने इसमें कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, कितनी अच्छी परफेक्ट गुलाब जामुन तैयार हुआ है। तो बस अब हमारे सीख गए हैं, अब मैं इसे निकालूंगी। देखिए अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। अब निकालते ही आप इसे चाशनी में मत डालिएगा दोस्तों, थोड़ा इसे हम ठंडा होने देंगे फिर चाशनी में। अगर इसी समय आप चाशनी में डालोगे तो ये पिचक जाएंगे गुलाब जामुन, तो पहले हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसी तरह मैं सारा निकाल लेती हूँ और हम दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। चाशनी हमारे ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें थोड़ा सा गर्म गुनगुना कर लेती हूँ। अब गुनगुने हो गए हैं हमारी चाशनी, तो गैस हम बंद कर देते हैं और इसमें हम एक एक करके अपने गुलाब जामुन को डालते जाएंगे और 2 घंटे के लिए इसमें आराम से हम छोड़ देंगे इसे। देखिए मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, 2 घंटा मैं इसमें कुछ टच नहीं करूँगी, इसे ढक के रख दूँगी, बाद में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं और हमारे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट फूले फूले बने हैं। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और नरम बने हैं। देखिए देखिए दोस्तों कितने ये अंदर तक, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, इसके जूस भर गया है देखिए, और ये एकदम सॉफ्ट है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपके लिए और कौन सा रेसिपी लाऊं। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।